अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड का कंपोजर है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रॉन है और उससे आगे फर्दर उसकी मीनिंग चार्ज है, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि चार्जेस को रेस्ट पे डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है कि जब भी वो रेस्ट पे रहता है वो अपने के लिए एक फील्ड बनाता है जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो अपने गिर्द एक फील्ड बनाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों फील्ड भी स्पेस में प्रोपेगेट नहीं करती, ये प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं होती, ठीक है। जिस पॉइंट पे चार्ज मौजूद है या फ्लो कर रहा है उसके इर्द गिर्द के रीजन में ही मौजूद होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3D होती है स्पेस के अंदर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2D होती है, लेकिन ये स्पेस में प्रोपेगेट नहीं करती। और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर होता है, तो वो अपने गिर्द जो फील्ड बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पेस में प्रोपेगेट करती है और ये प्रोपेगेटिंग होती है प्रोग्रेसिव वेव होती है, ठीक है। तो पहले चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक चार्जेस को डील करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 से हमने यूनिफॉर्म मोशन और मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने एक्सेलरेटेड मोशन पढ़नी है, ठीक है। तो फिलहाल हम चार्जेस को रेस्ट पे डील करेंगे और इसके लिए ब्रांच अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कराएगी। यहाँ पे एक और बात भी है, वो है पॉइंट चार्ज। भाई, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम हमेशा पॉइंट चार्ज की बात कर रहे होंगे। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका साइज बहुत छोटा होता है और उनके दरमियान में जो फासला है वो उससे कहीं ज्यादा होता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर मैं पॉइंट चार्ज ना लूं, इस तरह से चार्ज लूं, तो भाई यहाँ पे अगर ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इन पॉइंट्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जबकि इन पॉइंट्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। इसके अलावा यहाँ पे इसके साथ भी मुझे अट्रैक्शन लेनी पड़ेगी, इसके साथ भी अट्रैक्शन लेनी पड़ेगी। पूरी बॉडी को स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा और हर इंटरवल की, हर एक स्मॉल पैच की दूसरे स्मॉल पैच के साथ, तमाम सेट के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस मुझे काउंट करके बाद में सम लेना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसे पॉइंट चार्ज के तौर पर डील कीजिए, ताकि आपको इसके डिफरेंट पार्ट की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंटली डील ना करनी पड़े। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म आपको पता होना चाहिए, वो है फील्ड चार्ज। फील्ड चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो कि फील्ड बनाता है, ठीक है। ये फील्ड को बनाता है, इसका मास और इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है। लिख देता हूँ यहाँ पे, इट जनरेट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इट इज मैसिव एंड इट हैज लार्ज इनर्शिया, ठीक है। सो इट कैन नॉट मूव या एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल भी हो सकता है और वो लार्ज भी हो सकता है, बस इसने मूव नहीं करना, ठीक है। इसने फील्ड को जनरेट करना और इसकी फील्ड को हमने स्टडी करना है। दूसरा होता है टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो फील्ड चार्ज की बनाई हुई फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। इट इज नॉट मैसिव, इट हैज स्मॉल इनर्शिया, इट कैन एक्सेलरेट, ठीक है। हम इस, ये एक्सेलरेट करता है, ये मूव करता है, लेकिन हम इसकी फील्ड को थोड़ी ना स्टडी कर रहे हैं। फील्ड तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। ये तो एक टेस्टिंग टूल है। ये क्या है? ये एक टेस्टिंग टूल है। इसकी मदद से हमने फील्ड चार्ज की फील्ड को डिस्कस करना है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ही +1 कूलम होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इस जगह के ऊपर कि ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसकी बात करते हैं, और यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड बता देना है।
बैकग्राउंड क्या होगा कि हम ये बात पहले से जानते हैं, दैट मीन्स हमने सबसे पहले बतानी है प्रीवियस नॉलेज के बारे में कि प्रीवियस नॉलेज क्या था। प्रीवियस नॉलेज ये था कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये सारा नॉलेज जो है ये क्वालिटेटिव है। ये क्या है? ये क्वालिटेटिव है। हम क्वालिटी बता रहे हैं कि कोई चीज अच्छी या बुरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे ये प्रीवियस नॉलेज की बात कर देनी है। उसके बाद हमने ये कहना है कि जो क्वांटिटेटिव डिस्कशन है, क्वांटिटेटिव डिस्कशन सबसे पहले किसने की? 1784 एडी में चार्ल्स कूलम ने की। और ये कौन है? ये फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर है, ठीक है। तो ये कौन है? ये है फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर। इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेस के ऊपर इसने कूलम्स लॉ को डिफाइन किया, जिसको हम अब डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। हाँ जी, ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में ये वाला टॉपिक? एक मिनट बेटा, ओके जी, अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट है वो आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है जी, स्टेटमेंट क्या थी? द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या था? कॉन्स्टेंट था एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। फर्दर हमने इस कॉन्स्टेंट को एक और टर्म में एक्सप्रेस किया था, और वो क्या था? फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square, यहाँ पे epsilon not permittivity of free space है। ये taxation के जमरे में आती है कि जब space में से electric field गुजरती है तो हर point कितना उसे tax वसूल करता है उसकी बात है। K की value कितनी है? 9 × 10⁻⁹ newton meter square per kilogram square, per coulomb square, sorry। इसके base units आप लोग खुद निकाल सकते हो। epsilon not की value आप क्या करोगे कि इसमें K और इस वैल्यू को इक्वेट करोगे, एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाना, केस की जगह पे आएगा और आंसर आ जाएगा 8.85 × 10⁻½ कूलम्स पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यूज आएंगी, ये वैक्यूम के केस में है, लेकिन अगर कोई मटेरियल मीडियम में पड़ा हो तो फिर इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता है, और एप्सिलॉन आर क्या होता है? वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। फर्दर आप इसे 1/4 pi epsilon m q1 q2 over r square भी लिख सकते हो। यहाँ पे epsilon m क्या है? वो है permittivity of dielectric medium, जबकि epsilon r क्या है? वो relative permittivity of dielectric medium होती है। epsilon r का formula वो क्या बनेगा? वो बनेगा epsilon m over epsilon naught या फिर f vacuum over f medium से इसका formula निकाला जा सकता है, यहाँ से इसको define किया जा सकता है। और वेक्टर फॉर्म की बात करूं वैक्यूम के लिए, तो वैक्यूम के लिए अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r square और साथ आएगा r यूनिट वेक्टर। ठीक है, सो यहां पे इस तरह के ऊपर हमने ये टॉपिक को ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। जो बातें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो तो सारी बातें हमने कर ली, भले शॉर्ट सिलेबस में शामिल ना हो, लेकिन इन बातों के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का साइन है, क्या है? यूनिट वेक्टर का साइन।
अच्छा जी स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक ग्राफ है जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है कि आप सबसे पहले स्पेस में किसी पॉइंट के ऊपर एक फील्ड चार्ज सेट करते हो जो कि मूव नहीं कर सकता, उसके गिर्द प्लस वन कूलम का एक टेस्ट चार्ज स्मॉल मैस वाला प्लेस करते हो और ये रिपल्शन की वजह से जिस पाथ को फॉलो करता है आप वहां पे उस जगह के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हो इस तरह से। भाई यहाँ पे भी आप किसी जगह के ऊपर इस तरीके से चार्ज को रखोगे तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ क्या बताएगा, वो पाथ उस जगह के ऊपर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएगा। अब देखिए कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैं कोई एरिया रखता हूँ इस तरीके से तो क्या होता है, तो ये होता है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास करती है और यहाँ पे उतना ही एरिया इस जगह के ऊपर रखूं तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है लेकिन करीब मौजूद एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है और दूर मौजूद एरिया से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। इस बात का मतलब हुआ कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है और जहां पे दूर होती है वहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीकर होती है। इसके अलावा अगर मैं देखो पहली तो बात यह कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस चार्ज के गिर्द भले मैं और भी 8-10 लाइनें लगा लूं, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख के दरमियान में भी लाइन लगा सकता हूँ। ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आपने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हुए कितनी लाइन लगानी है और कितनी दफा प्लेस करना है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने दो चार्जेस बनाए हैं इस तरह से कि एक चार्ज के गिर्द मैंने 8 लाइनें लगाई हैं और दूसरे चार्ज के गिर्द कितनी लाइन लगाई हैं, 16 लाइन लगाई हैं। तो इस बात का मतलब यह होगा कि जो सेकंड चार्ज है वो पहले चार्ज की निस्बत क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो पहले चार्ज की निस्बत क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये 16 हो गई है, अगर नहीं भी हुई तो आपने इनको 16 कंसीडर कर लेना है। भाई यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये कितनी लाइंस हैं, ये 16 लाइंस हैं। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस चार्ज की विसिनिटी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है जबकि यहाँ पे कम है। अब अगर मैं इस जगह के ऊपर वही एरिया इधर प्लेस करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से एरिया प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, इसके अंदर से पहले दो लाइन गुजर रही थी अब कितनी गुजरेंगी, 4 गुजरेंगी और यहाँ पे प्लेस कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा अगर पहले वाली शेप के अंदर एक लाइन पास कर रही थी तो अब कितनी पास कर रही है, 2 पास कर रही है। तो वैसे तो पहले चार्ज के गिर्द भी 16 या 32 लाइनें लगाई जा सकती हैं लेकिन जब आपने कंपेरिजन करना होता है तो आपने एक चार्ज की लाइन की तादाद कम लगाई है और दूसरे चार्ज की लाइन की तादाद ज्यादा लगाई है तो भाई दूसरा चार्ज पहले चार्ज से ज्यादा स्ट्रेंथ का है और अगर एग्जैक्टली डबल है तो पहले चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दूसरे चार्ज की निस्बत क्या है, एग्जैक्टली डबल है। इन लाइंस का कोई मानी नहीं है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होती है लेकिन अगर आपने स्केलिंग की हुई है और आप कहते हो कि एक लाइन का मतलब 1 न्यूटन पर कूलम है तो भाई 8 लाइनों का मतलब 8 न्यूटन पर कूलम होगा, 16 लाइनों का मतलब 16 न्यूटन पर कूलम होगा। सो अकॉर्डिंग टू स्केल आप स्केलिंग करने के बाद इन लाइन्स को कोई फिजिकल मीनिंग भी दे सकते हो, क्वालिटेटिव के बजाय क्वांटिटेटिव भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर मैं फील्ड में कहीं नेगेटिव चार्ज प्लेस करूंगा तो उसके गिर्द जो टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव वो अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ आएगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सेम वही काम करना है लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी जबकि पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इस जगह के ऊपर दो सिमिलर चार्जेस रखता हूँ, पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उसमें सीधा जाना था लेकिन वो उसकी रिपल्जन की वजह से थोड़ा सा पाथ अपना कर्व कर लेगा इस तरीके से और यहाँ पर रखूं तो भी सीधा जाने के बजाय अपने पाथ को क्या कर लेगा, थोड़ा थोड़ा कर्व्ड कर लेगा। यहाँ पर रखी गई लाइन भी थोड़ी थोड़ी कर्व्ड आएंगी इस तरह से और जो लाइन यहाँ पे सीधी आनी थी वो भी क्या करेंगी, वो भी इस तरीके से कर्व्ड हो जाएंगी। दरमियान में एक पॉइंट आएगा दो सिमिलर चार्जेस के जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो होगी, दोनों साइड से इक्वल रिपल्शन की फोर्स अप्लाई हो रही होगी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर और अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हो तो उससे क्या होगा, ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हों तो भी सेम यही लाइंस आएंगी इसी तरीके से।
लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स चार्ज आएगी, सो अगेन यहाँ पे भी इस जगह के ऊपर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में एक लोकेशन ऐसी है जिसके ऊपर जीरो फील्ड लोकेशन है, इसके ऊपर चार्ज रखोगे तो वो दोनों साइड से इक्वल अट्रैक्शन फॉलो करेगा और नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो आएगी, और ये जो जीरो फील्ड लोकेशन है ये सिमिलर चार्जेस के दरमियान में होगी और छोटे चार्ज के करीब होगी। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर ऑपोजिट चार्जेस रखे गए हैं तो फिर क्या होगा। लेट्स से यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज फील्ड चार्ज प्लेस है, इनके अगर टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन जिसने इस तरह आना था लेकिन वहां के अट्रैक्शन की वजह से इसका पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा इस तरीके से, और अगर यहाँ पे रखूंगा तो चार्ज की वजह से टूवर्ड्स दिस चार्ज आएगा, ठीक है, यहाँ पे रखूंगा तो इस तरफ जा रहा होगा और यहाँ पे रखूंगा तो इस तरफ आ रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जाने वाला नेबरिंग अट्रैक्शन की वजह से टूवर्ड्स सेकंड चार्ज बेंड करेगा, और ये वाला भी दोनों चार्जेस की इंट्रैक्शन की वजह से इस तरह से फॉलो करेगा। दरमियान में चार्ज रखूंगा तो वो सेम इस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे रख दूंगा इस जगह के ऊपर तो ये पाथ फॉलो होगा, इधर ये पाथ फॉलो होगा, दरमियान में कोई और लाइन लगाता हूँ तो उसके लिए भी इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे छोटा सा सेगमेंट बनाना पड़ेगा। जरूरी बात है कि जब आप इस तरीके से कर्व्ड लाइन हो तो उस पूरी लाइन को छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हो, लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड करके ऐड करते हैं वेक्टोरियली जिससे आपको आंसर आता है। तो इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लोकेशन डायरेक्शन ये वाली है, आप इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की एक ही डायरेक्शन होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती। भाई जब भी चार्ज इस जगह के ऊपर रखोगे तो वो हमेशा ही इस लाइन को फॉलो करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी चार्ज का टेस्ट चार्ज का फॉरवर्ड पाथ होती है, तो जब भी रखोगे वो हमेशा इस लाइन को फॉलो करेगा, कभी नहीं होगा कि कभी इधर रखने पे वो कोई पाथ फॉलो करके आ जाए या ऊपर से घूम के नीचे आ जाए, जब भी यहाँ रखना है उसने लाइन वही फॉलो करनी है। तो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होती है, क्योंकि चार्ज टेस्ट चार्ज हमेशा एक पॉइंट पे रखा जाए तो वो एक ही पाथ को फॉलो करता है, उसका एनवायरमेंट अगर सेम रहे तो। और किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट से ड्रॉ होती है, और किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो कंक्लूजन ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती हैं किसी पॉजिटिव चार्ज से, फिर दूर चलती चली जाती हैं, ठीक है, जहां तक ड्रा कर सकते हो उतनी दूर तक आप ड्रा कर सकते हो। इसके अलावा टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। इसके अलावा किसी भी चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, आप वहां पे टेंजेंट ड्रा करते हो, और किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की एक ही डायरेक्शन होती है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करती। और इसके अलावा जिस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के करीब होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां पे वो दूर होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। ये कुछ कंक्लूजन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर दिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के। और पिछले टॉपिक से एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, वेक्टर फॉर्म है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ की जगह पे 1/4π ε0। अगर मैं यहाँ पे इन दो चार्जेस की बात करूँ, चार्ज क्यू वन क्यू के इक्वल है और ये वाला चार्ज क्यू है और ये क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज के लिए क्यू नॉट का सिंबल यूज होता है, ये बन जाएगा क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, 7r यूनिट वेक्टर बनाओगे वेक्टर के लिए और डिवाइड कर दोगे क्यू नॉट से ये वाला। तो फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आएगा वो आएगा 1/4π ε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। फर्दर आप इस टर्म को के भी लिख सकते हो, मीडियम के लिए यहाँ पे एप्सिलन आर भी आ सकता है, और एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर को मिला के आप एप्सिलन एम भी लिख सकते हो। एप्सिलन आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जबकि एप्सिलन नॉट और एप्सिलन एम के यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस आर की जगह पे आर वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड लिखते हो तो फिर जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो आता है 1/4π ε0 Q over R cube into R vector। इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस कर दो. इंट्रोडक्शन में आप क्या कहोगे कि लेट से हमारे पास एक रीजन है जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस किस्म की हैं. भाई अगर मैं इसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक एरिया बनाता हूं, लेट से मैं कहता हूं कि वो एरिया इस तरह से है, ये एरिया कितना है, ये 1 meter square का एरिया. और थोड़े फासले के ऊपर जाके मैं उस एरिया को अगेन प्लेस करता हूँ, सेम वही साइज का एरिया है, और उसको अब मैं इस तरह से प्लेस करता हूँ. तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हमें पता चलेगा कि पहले जब मैंने एरिया प्लेस किया था तो उसके अंदर से 3 lines पास कर रही थी, और अब मैंने प्लेस किया तो उसके अंदर से 2 lines पास कर रही है. तादाद आप एक्सप्लेन करते हुए लाइनों की चेंज भी कर सकते हो, इतने और लाइन भी ड्रा कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर दरमियान में जगह के ऊपर एक लाइन आपने और ड्रॉ करनी है तो वो लाइन भी यहाँ पे इस तरह से आ सकती है. इस तरह से पहले एरिया से 4 lines और दूसरे एरिया से क्या की है, 2 lines शो की है. तो भाई यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एक लाइन का मतलब क्या है, स्केल के मुताबिक एक लाइन का मतलब 1 newton per coulomb है. तो भाई पहले एरिया के अंदर से ये जो एरिया, लेट से मैं कहता हूँ कि ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, तो जो एरिया नंबर 1 है उसमें से 4 newton per coulomb की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, और जो एरिया नंबर 2 है उससे 2 newton per coulomb की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ठीक है. सो इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया, और यहाँ पे इसकी अब मैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, डेफिनेशन आप लोग खुद लिखोगे. मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से, परपेंडिकुलर स्केलर एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद जी, तो किसी भी परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को क्वांटिटेटिवली, मतलब 4 lines नहीं है, 4 lines का मतलब 4 newton per coulomb हो सकता है या 40 newton per coulomb भी हो सकता है. तो भाई किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से क्वांटिटेटिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास करती है वो क्या बनाती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है. इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉज ऑफ थीटा. इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये परपेंडिकुलर और जो मैंने बताया कि परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है स्केलर एरिया, तो ये वेक्टर एरिया क्या है. तो भाई अब चूंकि कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है डायरेक्शन की, तो मैं कहता हूं कि लेट्स से ये एक एरिया है, ये एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलरली प्लेस है. तो भाई मैं जब स्केलर की बात करूंगा तो मैं इस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने डायरेक्शन बतानी है और फॉर्मूला बनाना है तो मैं इस एरिया के साथ एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले लूंगा, और वो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, वो इस एरिया के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा. तो भाई जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके एरिया के साथ परपेंडिकुलर होगी तो वो नॉर्मल या फिर वेक्टर एरिया के साथ पैरेलल होगी. तो पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केलर एरिया के साथ परपेंडिकुलर होती है तो वो वेक्टर एरिया के साथ क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है. तो सारे डिस्कशन यहाँ पे हमने करनी है स्केलर एरिया के हिसाब से, और आखिर में फार्मूला वेक्टर एरिया के
और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास कर रही है इस तरह से। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये जो हमारे पास है ये है स्केलर एरिया, ये इसकी इस डायरेक्शन में नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू स्केलर एरिया है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एरिया, क्यों? क्योंकि नॉर्मल इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो उस केस के अंदर हमारे पास फाई ई की वैल्यू ई ए आएगी जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस एरिया से पास कर सकती है वो पास कर रही है। फिर मैं बात करता हूँ केस बी की। केस बी में क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से कोई एरिया प्लेस है और उस एरिया में से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऊपर से गुजर रही हैं, कुछ नीचे से गुजर रही हैं। तो दैट मीन्स मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केलर एरिया के साथ पैरेलल है, लेकिन जो इसका नॉर्मल है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वेक्टर एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है क्योंकि एक भी लाइन उसके अंदर से पास नहीं हो रही। वजह क्या है कि किसी एरिया की थिकनेस जीरो होती है, किसी एरिया की थिकनेस क्या होती है, वो जीरो होती है। तो बहरहाल अब मैं केस सी की बात करता हूँ। और केस सी क्या है कि लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर एरिया था, ये उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन थी, मैंने उसे सर्टन एंगल थीटा से रोटेट कर दिया है, तो ये पूरा एरिया रोटेट करके इस तरफ आ चुका है। तो भाई अब अगर मैंने यहाँ पे इस एरिया को बाय अ सर्टन एंगल थीटा रोटेट किया तो थीटा जितना रोटेट किया है उतना ही इसका नॉर्मल भी रोटेट करेगा। सो इसका नॉर्मल अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ये नॉर्मल है, ये है इसका एरिया और इसमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास कर रही है इसके अंदर से। पहले अगर चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी तो अब कितनी पास कर रही है, तीन पास कर रही है। वजह क्या है कि आपने इस एरिया को जो पहले बिल्कुल परपेंडिकुलर है उसको टिल्ट करके उसका इफेक्टिव एरिया परपेंडिकुलर टू फील्ड चेंज कर दिया है। सो अगर ये एंगल थीटा है तो सेम ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। अब क्योंकि स्केलर एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक, जो पहली डेफिनेशन है परपेंडिकुलर स्केलर एरिया, तो वेक्टर एरिया क्या होना चाहिए, पैरेलल। सो भाई अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एरिया का मैग्नीट्यूड है और नॉर्मल उसकी डायरेक्शन है तो इससे आएगा वेक्टर एरिया। अब वेक्टर एरिया इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, आप क्या कीजिए, इस थीटा के हिसाब से एरिया का वो कंपोनेंट निकालिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, वो क्या आएगा, ए कॉस थीटा। या फिर आप ये काम कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कॉम्पोनेंट निकालिए जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये होगा ई कॉस थीटा। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं फाई ई निकालना चाहता हूँ, एक दफा आएगा ई इंटू ए कॉस थीटा, दूसरी दफा आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, वो आने वाला है ई ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ए बी कॉस ऑफ थीटा ए डॉट बी के इक्वल होता है, इसलिए फाई ई का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ई डॉट ए के इक्वल। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की को डेफिनेशन डाइवर्ट कर लिया है, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके बच्चों, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम, फिलहाल के लिए इतना ही था, खुदा हाफिज़।